गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम बात करेंगे ग्रुप 2 में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अब जैसे आपने देखा होगा चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, केमिकल रिएक्शंस में कुछ भी नहीं है, आपकी 10th के स्टैंडर्ड की केमिकल रिएक्शंस है। तो यहाँ जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी 10th के स्टैंडर्ड की है, केवल वैलेंसी अपने को याद होनी चाहिए और कुछ खास है नहीं। अब देखिए क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट इजिली विद एयर एंड वाटर, क्यों रिएक्शन नहीं करता है? आपने क्लास 10th में पढ़ा था, याद करिए एल्यूमिनियम के लिए, कि एल्यूमिनियम पर कभी भी रस्ट नहीं लगता है, एल्यूमिनियम किसी भी केमिकल से जनरली रिएक्शन नहीं करता है। तो आपने पढ़ा था बिकॉज एल्यूमिनियम के सरफेस पर प्रोटेक्टिव लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। सेम कहानी मैग्नीशियम और बेरिलियम के साथ है। तो मैग्नीशियम और बेरिलियम ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन ईजिली, क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। कौन सा ऑक्साइड? बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नहीं आता है समझ में, कुछ और ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा है, दे आर केमिकली लिटिल बिट इनर्ट एंड दे ऑल्सो हैव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, दैट्स व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ईजिली नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। सही है, एयर का मतलब है बेटा रिएक्शन ऑफ O2 एंड N2 दोनों के साथ। तो देखिए रिएक्शन, बेरिलियम की वैलेंसी +2 होती है, पता ही आपको, तो +2 और O की वैलेंसी -2 है, तो क्या बना दोगे आप? BeO, बेरिलियम ऑक्साइड। Be की वैलेंसी क्या है? +2। N की क्या होगी? -3। करना आता है ना फॉर्मूला बनाना। Be की +2 है, N की वैलेंसी क्या होगी? -3। क्रिस-क्रॉस करोगे क्या बन जाएगा? Be3N2। तो आप क्या लिख दोगे? बेरिलियम नाइट्राइड। सही है, ऐसे ही एम जी की ओ से करोगे MgO, N से करोगे Mg3N2। मैग्नीशियम नाइट्राइड इसको बोलते हैं, कि जो आयन होता है इसको बोलते हैं बेरिलियम नाइट्राइड। सही है, तो रिएक्शन इक्वेशंस वगैरह में कुछ भी खास नहीं है, मेन चीज क्या है उसका कॉन्सेप्ट। तो अगर आ जाए रिएक्शन तो लिख देना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ना। देखिए बेटा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजन्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद एसिड्स एंड रिड्यूसिंग नेचर। और चारों चीजें बहुत सिंपल है। अब जैसे यहां देखिए रिएक्शन विद हैलोजन, अब आप बोलोगे सर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो ले लिया आपने, बट फ्लोरीन क्यों नहीं लिया? फ्लोरीन इसलिए नहीं लिया बिकॉज फ्लोरीन की रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और जो फ्लोरीन का कंपाउंड बनता है दैट इज अनस्टेबल। फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि रिएक्शन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को छीन कर अलग हो जाता है, दैट्स व्हाई फ्लोरीन को हम जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, रिएक्शन बियॉन्ड द लेवल ऑफ कंट्रोल होती है। अब जैसे यहां देखिए ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से रिएक्शन करें, रिएक्शन बहुत सिंपल है, कैसे करोगे? जैसे मैंने लिया Mg और यहां ले लो Br, Mg की वैलेंसी +2 है, Br की -1 है, तो आप क्या लिख दोगे? MgBr2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और एक दूसरी चीज रिएक्शन नंबर 2 क्या है? अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड, ये NCR में। अब ये आने लायक रिएक्शन है, ये दे सकता है, ये तो क्या पूछेगा आपसे, सिंपल सी है ना, ये दे सकता है अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड NH4 होल ट्वाइस BF4-। अब समझो यहां इंपॉर्टेंट क्या है, यहां Be की वैलेंसी होती है +2, फ्लोरीन की होती है -1 और अमोनियम की होती है +1, ऐसे क्लियर। अब होता क्या है इसमें रिएक्शन में, कि आपका जो बेरिलियम है फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है सिंपली और ये बनाता है BeF2 प्लस, NH4 है ये निकालता है अमोनिया, हम लिख देते हैं 2NH3, 2H बचे यहां और 2F बचे यहां, और क्या लिखते वो बनता है 2HF। तो क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आपको बेरिलियम फ्लोराइड बनाना है, अब सुन लो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने यहां फ्लोरीन क्यों नहीं लिया? भाई हमने आप इसकी रिएक्शन फ्लोरीन से नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? बिकॉज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और रिएक्शन बियॉन्ड द कंट्रोल होती है। सही, इसलिए हम BeF2 बनाने के लिए इस केमिकल का यूज करते हैं अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड,
एनएच फोर होल ट्वाइस बी एफ फोर, बी एफ टू अलग हो जाएगा, सिंपल है, प्लस माइनस करना है, अमोनिया अलग हो जाएगा एंड टू एच एफ फॉर्म होगा। तो ये भी एक्शन आपसे पूछ सकता है, हाउ डू यू प्रिपेयर बेरिलियम फ्लोराइड, तो ये ध्यान रखना। अगर देखिए, अगर मैं बीईओ का रिएक्शन बेरिलियम ऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड और सी एल टू से करता हूं तो ये बनता है बीई सी एल टू और साथ में बनता है सीओ टू, सही है। तो मेन तो ये है इक्वेशन, बाकी जनरल है। जैसे यहां देखिए रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो बी की एच टू से करूंगा मैं, क्या बन जाएगा बी एच टू, सिंपल। बी सी एल टू एल आई एल एच फोर से करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, जहां जहां इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, क्यों देखो, अभी आप बी की वैलेंसी प्लस टू, क्लोरीन की माइनस वन, एल आई की वैलेंसी होती है प्लस वन, ए एल की होती है प्लस थ्री, और यहाँ हाइड्रोजन की होगी माइनस वन। तो एल आई जब माइनस से अटैच होगा तो क्या बनाएगा, एल आई सी एल, ए एल प्लस थ्री जब अटैच होगा सी एल माइनस से क्या बनाएगा, ए एल सी एल थ्री, और बी प्लस टू जब अटैच होगा माइनस से क्या बनाएगा, बी एच टू, सही है। तो बहुत सिंपल है, मैं रट्टा लॉजिक करने के लिए नहीं बोल रहा, बहुत सिंपल तरीका है, प्लस को अटैच करना है इसके माइनस से और इन दोनों प्लस को अटैच करना है इसके माइनस से, दैट्स ऑल, सिंपल रिएक्शन कर सकते हो। जैसे यहाँ देखिए रिएक्शन विद एसिड्स, बी की रिएक्शन करोगे एस सी एल से क्या बन जाएगा, बी सी एल टू एंड एच टू, बैलेंस वैलेंस तो कर ही लोगे आप, है ना। दूसरी चीज रेड्यूसिंग नेचर, रेड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं हटा देता हूँ, ताकि थोड़ा इजी हो चीजें। अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड में बोलता हूं, ये लिथियम है और ये बेरिलियम है, आप चले इधर लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज। तो मैंने बोला लिथियम और बेरिलियम, इन दोनों में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो आप बोलोगे लिथियम देगा। लिथियम क्यों देगा, क्योंकि लिथियम का साइज क्या है, बिगर साइज है लिथियम का, और ड्यू टू द बिगर साइज लिथियम कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। बेरिलियम का साइज क्या है, छोटा है, उसी केस पे बोलता ही है, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर पुअर रिड्यूसिंग एजेंट देन ग्रुप वन एलिमेंट्स ड्यू टू द स्मॉल साइज दे कैन नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। इसलिए एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, लिथियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है किससे, बेरिलियम से। तो क्वेश्चन आ सकता है ये, लिथियम इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन बेरिलियम, या तो ऐसे पूछ ले या फिर पूछ लेगा ग्रुप वन एलिमेंट बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन ग्रुप टू एलिमेंट, सही है। ग्रुप वन एलिमेंट्स ग्रुप टू एलिमेंट से अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्यों है, क्योंकि ग्रुप वन एलिमेंट का साइज बड़ा है, दे कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। क्लियर है, तो बिल्कुल लाइट वेट में पढ़िए चैप्टर को, बिल्कुल कॉमिक की तरह पढ़िए, अच्छे मूड से पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए बेटा, सेम रिएक्शन है आगे, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, सेम रिएक्शन पढ़ी थी आपने कहा ग्रुप वन एलिमेंट्स में, यहां भी वही है। अगर हम ग्रुप टू एलिमेंट्स को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू वायलेट हो जाता है, क्यों हो जाता है, ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल वो का वही है, डिफरेंस क्या है, वहां रिलीज हुआ था वन इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि एल्कली मेटल की वैलेंसी होती है प्लस वन, यहां रिलीज होंगे टू इलेक्ट्रॉन बिकॉज एल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी होती है प्लस टू, बाकी सब कुछ सेम करके दिखा रहा हूं। देखिए मैंने लिया मैग्नीशियम ग्रुप टू एलिमेंट, आप बेरिलियम भी ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करता है अमोनिया के मॉलिक्यूल से, एक्स प्लस वाई लिखा था मैंने अभी, आप चाहे तो लिखें, आप चाहे तो ना लिखें, आप है ना। देखिए तो क्या बनता है, ये बनता है बेटा ऐसे MgNH3, ऐसे ध्यान से देखना इसको ये। अब यहां जो ध्यान रखना है आपको, यहां रखना है इसकी वैलेंसी प्लस टू और ये एक्स, Mg क्या करता है टू इलेक्ट्रॉन निकालता है और साथ में टू इलेक्ट्रॉन हम ऐसे लिख देंगे यहाँ, है ना, और यहां लिख देंगे NH3 और ये Y, सही है, यही कह रहा था पहले भी हमने, वहां
लिथियम लिखा था हमने NH3X, यहाँ प्लस वन और यहाँ वन इलेक्ट्रॉन था, यहाँ बिल्कुल टू इलेक्ट्रॉन, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप क्या लिखोगे, ब्लू कलर सॉल्यूशन। क्यों बनता है ब्लू कलर सॉल्यूशन, इन टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगेन क्यों का वही है, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर हम इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होगा, होगा क्या, देखिए Mg की वैलेंसी प्लस टू है, ध्यान से देखना है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, Mg की वैलेंसी प्लस टू है, क्लियर। और ये जो Mg है ये NH2- से रिएक्शन करेगा, ये NH2- बनाया गया है ना, NH2 NH2 यहाँ से निकलेगा और क्या बन जाएगा, करके दिखा दूँ क्रिस क्रॉस, Mg NH2 होल ट्वाइस, सही है, वहां बनाया था हमने NaNH2, यहाँ क्या बनेगा Mg NH2 होल ट्वाइस, और जो 2H है वो इलेक्ट्रॉन लेकर किस फॉर्म में निकल जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, ओके। तो ये रिएक्शन है बिल्कुल सेम टू सेम केमिकल रिएक्शन है, डिफरेंस क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है वहां 1 इलेक्ट्रॉन था। तो ये आ सकता है, पूछ सकता है आपसे, है ना, कि व्हाट हैपन व्हेन अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद अमोनिया सॉल्यूशन। और अगर आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है तो आप यहां तक लिखकर भी छोड़कर आ सकते हो, तो ये नहीं कि पूरा नीचे लिखकर जाए रिएक्शन को ले जाओगे तो बेस्ट है, वैसे भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हम, 11th स्टैंडर्ड में हैं हम, और 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री अगर हम डील करते हैं तो ये चीजें हमें आनी चाहिए, है ना। बढ़ते हैं आगे बेटा, देखिए बेटा ये यूजेस देखिए आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, और इसमें से एक यूज ऐसा है जो आपके 2019 जे के पेपर में आया है, कौन सा मेटल या एलिमेंट यूज होता है एक्सरे ट्यूब्स की विंडो बनाने में, एक्सरे ट्यूब जो होती हैं, क्योंकि एक्सरेज क्या होती हैं, हाई एनर्जी वाली रेज होती हैं, तो उसकी ट्यूब्स की विंडो बनाने में कौन सा एलिमेंट यूज होता है, डेट इज अ बेरिलियम। तो यूज इंपॉर्टेंट है, देखिए फर्स्ट यूज कॉपर बेरिलियम एलॉय हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने में काम आता है, मतलब जो बहुत हाई लेवल की जो स्प्रिंग्स होती हैं, बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली स्प्रिंग्स बनाने में काम आता है। नंबर टू जी ने बताई दिया मैंने, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जो एलॉय होता है ये बहुत लाइट होता है वेट में, इसलिए हम इस एलॉय का यूज करते हैं एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में, एरोप्लेन्स वगैरह की बॉडी बनाने में। मैग्नीशियम पाउडर का हम यूज करते हैं फ्लैश सिग्नल्स बनाने में, मतलब जब अगर आपने देखा हो तो टाइटेनिक वगैरह मूवी में जो ऊपर गन चलाते हैं तो बिल्कुल लाइट होके वो बल्ब की तरह जल के नीचे आता है ना, तो उनको बोलते हैं फ्लैश सिग्नल्स। तो सिग्नल देने के लिए किसी को या किसी को डायरेक्शंस बताने के लिए या किसी को हिंट देने के लिए हम मैग्नीशियम पाउडर को भर के रिबन को उसको बर्न करते हैं, तो उससे जो लाइट होती है उस लाइट से हमें सिग्नल्स मिलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इस सॉल्यूशन को हम पीते हैं एंड इट क्योर एसिडिटी। नाउ डेज जो मैक्सिमम जो मेडिसिन आती हैं एसिडिटी को क्योर करने वाली, उनमें एक केमिकल आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, यूज होता है टूथपेस्ट में। टूथपेस्ट जो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का क्यों होता है, जो व्हाइट कलर का टूथपेस्ट है, फोन भी इसी टाइम पर आते हैं, ये जो व्हाइट कलर होता है टूथपेस्ट का, कोलगेट पेप्सोडेंट वगैरह का, वो व्हाइट कलर क्यों होता है, बिकॉज इट कंटेन मैग्नीशियम कार्बोनेट। और जो रेडियम का सॉल्ट होता है वो काम आता है रेडियोथेरेपी में, जो कैंसर को ट्रीट करती है, तो रेडियोथेरेपी विच ट्रीट कैंसर विच एलिमेंट वी यूज दैट इज अ रेडियम सॉल्ट, सही है। तो यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, यूजेस स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशंस में, है ना। आगे देखते हैं, देखिए बेटा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। अब जनरल प्रॉपर्टीज वो की वही है जो आपने ग्रुप वन में पढ़ी है। अब जैसे यहां देखिए, यहाँ भी वही बोलेगा जैसे आपने बोला ग्रुप वन में, लिथियम कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, क्यों, क्योंकि लिथियम का कैटाइन छोटा होता है। यहाँ भी मैं यही बोलूंगा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स आर कोवेलेंट बिकॉज बेरिलियम और मैग्नीशियम का कैटाइन ऑफ स्मॉलर साइज एंड अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल एज द साइज ऑफ कैटाइन स्मॉल और डिक्रीज कोवेलेंट बिहेवियर इंक्रीज। तो बिल्कुल वो का वही है। अब जैसे वहां पर आपने ये Li2CO3 कोवेलेंट है, यहाँ क्या पढ़ोगे आप BeCO3 कोवेलेंट है, क्यों,
बिल्कुल सेम टू सेम। लिथियम कार्बोनेट कोवेलेंट होता है, यहाँ क्या पढ़ोगे, बेरियम कार्बोनेट कोवेलेंट होता है। तो बात तो वही है बिल्कुल कि सेम टू सेम है, कुछ नहीं है डिफरेंस, सब कुछ सेम। खैर वैलेंसी याद रखना कि ग्रुप टू की वैलेंसी प्लस टू है, ग्रुप वन की वैलेंसी प्लस वन है, अपने आप हो जाएगा जो होना है। अब जैसे यहां देखिए ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, बी ऑक्सीड रिएक्शन के लिए BeO, MgO, CaO, SrO, BaO क्यों बना रहा है भैया, क्योंकि इन सब की वैलेंसी प्लस टू है। अब देखो टॉप से बॉटम चलने पर क्या होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, ये तो सबको पता है, है? टॉप से बॉटम चलने पर एटम का साइज बढ़ेगा। अब देखो ध्यान से कौन कौन से बिहेवियर चेंज होते हैं, टॉप से बॉटम चलने पर कोवेलेंट बिहेवियर डिक्रीज होता है, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो चैप्टर दी एंड पर है थोड़ी देर बाद, टॉप से बॉटम चलने पर कोवेलेंट बिहेवियर डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ता है, चाहे आप एटम बोल लो चाहे आप कैटायन बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो टॉप से बॉटम चलने पर कैटायन का साइज बढ़ेगा, ये साइज बढ़ता है, बेरिलियम छोटा है इससे बड़ा, मैग्नीशियम कैल्शियम और बड़ा, स्ट्रोंशियम और बड़ा, ये सबसे बड़ा, क्लियर। तो जब कैटायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट बिहेवियर कम हो जाएगा, सही है, और कोवेलेंट बिहेवियर कम होगा तो क्या बढ़ेगा, आयनिक बिहेवियर बढ़ेगा। और अगर मैं आपसे बोलता हूं BeO और BaO इन दोनों में से ज्यादा आयनिक कौन है, तो कौन है आयनिक, BaO, ज्यादा कोवेलेंट कौन है, कौन है, BeO, क्लियर है। टॉप से बॉटम चलने पर अगर आयनिक बिहेवियर बढ़ेगा तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो आप क्या बोलोगे, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है, इसलिए मैं आपको ट्रिक से पढ़ा रहा हूं चैप्टर, ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतना ईजी है नहीं वैसे ही है, जितना आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं। आप अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो चक्कर आने वाला चैप्टर है ये, बिल्कुल इंटरमिंगल कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ चैप्टर है ये, इतना आसान चैप्टर नहीं है ये, तो बहुत एफर्ट्स करके मैंने इसको टिप्स के फॉर्म में नोट्स बनाए इसके, जो आपको मैंने शेयर करें। अब जैसे यहां देखिए आपसे पूछ रहे BeO और BaO किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो बहुत आसान है बोलना, BaO का ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा भाई, क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, बिकॉज इसका आयनिक बॉन्ड बिहेवियर ज्यादा है, ओके। आपने पढ़ा था क्लास टेंथ में टॉप से बॉटम चलने पर एटम का साइज बढ़ेगा, और एटम का साइज बढ़ेगा तो बेसिक ऑक्साइड का बिहेवियर भी बढ़ेगा। तो यहां इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन है, BaO, सबसे कम बेसिक ऑक्साइड कौन है, BeO। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि BeO का नेचर एसिडिक है और BaO का नेचर बेसिक है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दे क्यों, तो आपको क्या बोलना है, टॉप टू बॉटम चलने पर कैटायन का साइज बढ़ेगा और कैटायन का साइज बढ़ने की वजह से बेसिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज, गॉट इट। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। आगे देखिए BH2 एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं, ऐसे केमिकल जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। अब देखिए अगर BOH होल ट्वाइस का आपने रिएक्शन करा NaOH से तो क्या बनाएगा, देखो ध्यान से, ये माइनस वन और ये प्लस वन, तो होना कुछ भी नहीं है, इस तरीके से बनाता है ये BOH होल ट्वाइस और 2OH और यहाँ अटैच हो जाएगा, तो हम लिख देंगे BOH होल फोर, ये माइनस टू, इस माइनस टू को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, Na प्लस, तो आप क्या लगा देना यहाँ, Na प्लस, क्लियर है, ये टू लग जाएगा, Na2BOH होल फोर, दैट इज ओके। अगर BOH होल ट्वाइस करेगा HCl से तो क्या बनेगा, ये तो सिंपल ही है, क्या बन जाएगा, BCl2H2। तो अगर पूछ ले हाउ डू यू प्रूव दैट आपका जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का है, तो आप दोनों से रिएक्शन करके बता देना एंड दिस विल प्रूव कि इसका नेचर एम्फोटेरिक है, सही है। देखते हैं आगे, देखिए बेटा नेक्स्ट कंपाउंड्स देखिए आप, हैलाइड्स इन सॉलिड एंड वेपर फेज, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स एंड नाइट्रेट्स, ये छोटे छोटे वन वन लाइन के क्वेश्चन हैं, वन वन लाइन के आंसर्स हैं। अब देखो जैसे यहाँ
आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है BeCl2 का डायग्राम बनाइए वेपर फेज में, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है BeCl2 एग्जिस्ट एज अ डायमर, BeCl2 वेपर फेज में डाइमर के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? डाइमर का मतलब होता है टू मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ जाना। ट्राइमर होगा, ट्राइमर में क्या हो जाएंगे, थ्री मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे। टेट्रामर में फोर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वेपर फेज में BeCl2 के टू मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच क्यों हो जाते हैं, सिंपल रीजन। अगर हम BeCl2 को देखें तो BeCl2 में बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल है आपका शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, याद करिए आप चैप्टर 4। BeCl2 इज शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल एंड कंप्लीट ऑक्टेट BeCl2 फॉर्म डायमर। क्वेश्चन सुन लो मेरी बात ध्यान से, व्हाई डज BeCl2 एग्जिस्ट एज अ डायमर, BeCl2 डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है? ये तो पक्का आने वाला क्वेश्चन है, ये क्यों करता है? सिंपल रीजन, BeCl2 इज अ शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल बिकॉज बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। कहाँ कंप्लीट है, देखो 1, 2, 3, 4, भाई वन बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेरिलियम के राउंड ऑफ 1, 2, 3, 4, ऑक्टेट पूरा ही नहीं है, तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। अब ये ऑक्टेट पूरा कैसे करेगा वो सुन लो ध्यान से, देखिए ये क्लोरीन के पास होते हैं लोन पेयर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं एक ही बार बताऊंगा सर। तो क्लोरीन क्या करता है, इस बेरिलियम के साथ बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्लोरीन बनाता है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे ही यहां जो दूसरा क्लोरीन होगा वो बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो टोटल 4 हो गए 1, 2, 3, 4। भाई ऐसा आगे भी तो होगा मॉलिक्यूल कोई और, सही मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसको अटैच करना है, देखो करके दिखाऊंगा आराम से, यहां से ये बेरिलियम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये Cl और ये Cl, क्लियर है? ये तो ये बना लेगा किसके साथ, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बना लेगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये देखो कि इसको 1, 2, 3, 4 ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि BeCl2 डायमर बनाता है बिकॉज अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्लियर? एक बार और देखो, बना के दिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आएगा ये मुझे लगता है, आ सकता है BeCl, ऐसे करना है सबसे पहले, ऐसे ड्रॉ करना है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनाना, ऐसे इस तरीके से, और ऐसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सही। सॉलिड स्टेट में बहुत सारे BeCl2 के मॉलिक्यूल अटैच होकर लॉन्ग चेन बनाते हैं, कैसे, वही सिंपल, ऐसे इस तरीके से, एरो लगाना मत भूलना, एरो इंपॉर्टेंट है, सही है? ये डायग्राम किसका है, ये सॉलिड स्टेट का डायग्राम है BeCl2 का, क्लियर है, ध्यान रखना। आगे देखिए सॉल्ट ऑफ एसिड्स, जो कार्बोनेट्स होते हैं इसके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इन सबके, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों इनसॉल्युबल होते हैं? बिकॉज इन कार्बोनेट की लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे मैंने बोला आपसे, अगर मैं इसको बोलूं BeCO3 नॉट सॉल्यूबल, तो इसमें तो सिंपल है कि BeCO3 का बिहेवियर कोवेलेंट बिहेवियर है, छोटा सा। लेकिन अगर मैंने बोला आपको स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, तो आपको यहां बोलना है इसकी लैटिस एंथैल्पी इज वेरी वेरी हाई, क्लियर। थर्मल स्टेबिलिटी टॉप से बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है, क्यों इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज क्यों बढ़ेगी है, बिकॉज आयोनिक बिहेवियर इंक्रीज होगा, वही है, टॉप से बॉटम चलोगे कार्बोनेट में क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाएगी, और लैटिस एंथैल्पी क्यों बढ़ेगी, बिकॉज आयनिक बॉन्ड का बिहेवियर बढ़ेगा, और आयनिक बॉन्ड का बिहेवियर बढ़ने का मतलब क्या है, आपको ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। आगे देखिए सॉलिड, वही अगेन चीज आ रही, देखिए सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीज,
टॉप टू बॉटम क्यों डिजोल्व नहीं होगा वाटर, कोई रेटिसेंस भी इज वेरी वेरी हाई। ओके नाइट्रेट्स कैसे बनाओगे, अगर हम बेरिलियम कार्बोनेट का रिएक्शन करते हैं एच एन ओ थ्री से, तो यहाँ बहुत सिंपल है, ये क्या बन जाएगा बी एन ओ थ्री होल ट्वाइस, साथ में क्या बनेगा एच टू सी ओ थ्री, बैलेंस कर ही दोगे आप, है ना। ओके अगर मैं बी एन ओ थ्री होल ट्वाइस को हीट करता हूं, तो हीट करने पर क्या बनेगा, ये बनाएगा एन ओ टू गैस, बी और ओ बनेगा अलग से, बेरिलियम ऑक्साइड, और साथ में बनेगी ओ टू। ये बनाता है आपने सेम टू सेम क्लास टेंथ में थर्मल डिकम्पोजिशन में। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा अपना टेंथ का नॉलेज यूज करोगे, थोड़ी सी इलेवेंथ की यूज करोगे, तो कुछ नहीं है। और अगर आपने इस चैप्टर में रिफ्रेशर ओपन कर ली, तो फिर ये आपको दिक्कत देगा, क्योंकि रिफ्रेशर में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो इतना करना नहीं है, बिल्कुल कट टू कट पढ़िए, है ना। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और टॉपिक है। देखिए बेटा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखिए, एनामेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। देखो सब कुछ रिपीट है, वहां आपने क्या पढ़ा था एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम, वहां क्या पढ़ा था आपने डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड एल्यूमिनियम, अब यहाँ क्या बोल दिया बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, सब कुछ वो का वही है। देखिए कॉन्सेप्ट वन, बेरिलियम का बिहेवियर, जो बेरिलियम का बिहेवियर है वो अदर ग्रुप एलिमेंट से अलग क्यों है, इसका अलग क्यों बिहेवियर है। सबसे पहला पॉइंट, सब बहुत छोटा एटॉमिक साइज है, डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिट, इट मेनली फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बी और एम्फो डायरेक्ट इन नेचर, सही। इसीलिए बेरिलियम का नेचर इन सबसे अलग है। सबसे मेन रीजन बोलूं सिंगल पिन पॉइंट में, बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, इसीलिए बेरिलियम कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड एंड इट डज नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली, ये ध्यान रखना, सही है। आगे देखो डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी उस समय, मैग्नीशियम से, बेरिलियम की किसको मैच करेगी, एल्यूमिनियम को, क्यों मैच करेगी ये मैं बता चुका हूं आपको, है ना। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की सेम है। प्रॉपर्टी नंबर वन, बेरिलियम इज नॉट अटैक्ड बाय एसिड लाइक एल्यूमिनियम। आपने पढ़ा था क्लास टेंथ में एल्यूमिनियम और बेरिलियम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, किसकी, ऑक्साइड्स की। ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम को प्रोटेक्शन देती है, किससे, आपके दूसरे केमिकल के अटैक से। ये क्लास टेंथ में भी था क्वेश्चन, उसी चीज, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके नेगेटिव चार्ज आयन फॉर्म करते हैं। अभी पढ़ा था आपने बी ओ एच होल ट्वाइस टू एन ओ एच, तो ये बनाता है बी ओ एच होल फोर माइनस टू, इसको बोलते हैं बेरिलेट आयन। और ए एल ओ एच होल ट्वाइस ओ एच माइनस रिएक्शन करके क्या बनाता है, ए एल ओ एच होल फोर माइनस वन एल्यूमिनेट आयन, इसको बोलते हैं बेटा एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं बेरिलेट, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट, ये काम आएंगे ट्वेल्थ में नाम। आगे देखिए बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ड्यू टू दी वेरी स्मॉल कैटाइन साइज। जनरली ऐसे कैटाइन जिनका साइज छोटा होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इजीली बनाते हैं। अच्छा बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्यों बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका तो और भी रीजन है, क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स होते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मैं करके दिखाता हूँ आपको, समझो, जैसे देखो यहां से, जैसे मैंने लिखा बी एफ टू, ये ऐसे बी एफ टू क्या करेगा, टू फ्लोरीन आयन के कॉन्टेक्ट में आएगा, अब इसका टू ही बॉन्ड है और इनके साथ क्या बना लेगा, ये बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप क्या लिखोगे इसको, बी एफ फोर माइनस टू। ऐसे ही ए एल का काम है, ए एल के पास क्या होते हैं, थ्री फ्लोरीन ए एल एफ थ्री, इसके पास वैकेंडी ऑर्बिटल भी होता है, तो ये थ्री फ्लोरीन माइनस के कॉन्टेक्ट में आगे क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये गॉट इट। तो ये था आपका चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट, एंड नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट पी ब्लॉक एलिमेंट,
हाइड्रोजन एस ब्लॉक एंड बी ब्लॉक बहुत जनरल चैप्टर है, जनरल स्टूडेंट्स को बहुत नींद आती है इन चैप्टर्स को पढ़ने में, बहुत पेन फील होता है, लेकिन ये अभी का पेन आपको ट्वेल्थ में गेन देगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्वेल्थ में आप बिल्कुल टॉप पर रहोगे, क्योंकि ट्वेल्थ में दो तीन चैप्टर ऐसे हैं जो हमेशा सरगर्द होते हैं इलेवंथ वालों के लिए, सरफेस केमिस्ट्री, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, और उसका ओवरऑल वेटेज है 20 मार्क्स के आसपास, 15 से 20 मार्क्स के आसपास का वेटेज है। तो अगर आपने थ्री चैप्टर्स हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये ढंग से इंटरेस्ट लेके निकाल लिए तो समझो आपने 12th में 90 प्लस की एंट्री अपनी पक्की कर ली, सही है। तो नेक्स्ट वन वी विल स्टार्ट पी ब्लॉक एलिमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।